डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग साइंस में एक केमिस्ट्री के भाग को पढ़ रहे थे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाले चैप्टर में हम लोग साइंस में पढ़ रहे थे। इस चैप्टर को हम लोग, जैसा कि जानते हैं आप, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए हम लोग पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी के बुक से जितने भी हम लोग विद्युत रासायनिक अभिक्रिया समीकरण थे उसमें हम लोगों ने सभी चीज़ को पढ़ा, लेकिन इसके पीछे वाले क्वेश्चन जिसको अभ्यास के प्रश्न में दिया हुआ रहता है वो हम लोगों को छूट रहा था। चलिए आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण इस चैप्टर के एनसीईआरटी के सबसे पीछे वाले क्वेश्चन जिसको अभ्यास का क्वेश्चन कहा जाता है, अभ्यास वाले क्वेश्चन में हम लोग करते हैं। चलिए, जिसके पास बुक है तो बुक से क्वेश्चन लिख लेंगे, अगर जिसके पास किताब नहीं है वो क्वेश्चन लिखेंगे। फर्स्ट नंबर पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, लिखा जाए, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए क्या बोल रहा है, कौन सा कथन असत्य है। असत्य का मतलब जानते हैं ना, गलत है। कौन सा गलत है ये हमें चुनना है, कौन सा कथन असत्य है। और सत्य का मतलब होता है सही चुनना है, और असत्य का मतलब कौन सा कथन गलत है इसको चुनना है। उसके नीचे दोस्त इस तरीके का अभिक्रिया है, 2PbO प्लस कार्बन गिव्स 2Pb प्लस CO2। ठीक है, इस तरीके का हमें रिएक्शन दिया हुआ है और ये अभिक्रिया दे दिया है, और उसके बाद ऑप्शन ए बी सी डी करके लिखा हुआ है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है। फिर लिखा है दूसरा ऑप्शन CO2 उपचयित हो रहा है। फिर तीसरा ऑप्शन लिख रहा है कार्बन उपचयित हो रहा है। फिर चौथा ऑप्शन है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये अभिक्रिया दिया हुआ है, और इस अभिक्रिया में सभी सवाल जो है, ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, चार ऑप्शन है। अच्छा, चार ऑप्शन नहीं है, ये चार आपका चारों को चेक करना है कि कौन सा इसमें से सही है। अब उसके नीचे का ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे पहला ऑप्शन दिया है ए एंड ए एवं बी ऐसे करके दिया है, दूसरा ऑप्शन ए एवं सी, तीसरा ऑप्शन दिया है ए कॉमा बी एवं सी, और चौथा दिया है सभी। ठीक है, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, बोल क्या रहा है पहला सवाल में कि कौन सा दिया गया अभिक्रिया के संबंध में, ये अभिक्रिया दिया हुआ है और इस संबंध में कौन सा असत्य है। सवाल क्या बोला, असत्य, असत्य मतलब गलत। अब जो जो इसमें से गलत है वही हमको इस ऑप्शन में चुनना है। पहला ऑप्शन है ए और बी गलत है, कि ए और सी गलत है, कि ए बी और सी गलत है, कि सभी गलत है। ठीक, फिर अगर एक और बात अगर हम लोग जाने तो आप अगर बुक में देखिएगा लिखा हुआ तो ऐसे लिखा हुआ रहेगा अभिक्रिया 2PbOS प्लस CS गिव्स 2BbS प्लस CO2 और ब्रैकेट में गैस। तो देखिए, आपको लग रहा होगा कि सर अभिक्रिया तो ऐसे लिखा हुआ है बुक में,
ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ जाओ, कोई भी अभिक्रिया अगर ऐसा लिखा रहे तो आप कतई नहीं समझो, ऐसे भी हम लोग लिखेंगे तो वो सही होता है, ठीक है। वो ब्रैकेट का कोई वैल्यू नहीं, तो ब्रैकेट में जो एस सी सॉरी एस जी ये सब लिखा रहता है वो क्या है, तो जानते हैं ना, पदार्थ का तीन अवस्था है, एक ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। ठोस को अंग्रेजी में सॉलिड कहते हैं, द्रव को लिक्विड। तो उस ठोस को हम लोग सॉलिड बोलते हैं, मतलब कि एस, द्रव को लिक्विड बोलते हैं, गैस को गैसी बोलते हैं, जिसका फर्स्ट लेटर एस होता है, एल होता है, जी होता है। वैसे ही दोस्त, कभी भी अभिक्रिया में अगर आप ऐसा लिखा हुआ देखते हैं कि 2PbOS लिखा हुआ है, तो एस का मतलब क्या, ये ठोस है। कार्बन के ब्रैकेट में लिखा है एस, इसका मतलब ये भी ठोस है। 2Pb के बगल में लिखा है ठोस है। CO2 भी क्या है, एक ठोस है, सॉरी गैस है, यहाँ जी लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे ऐसे ही लिखे हुए हैं, तो हमको इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि कोई भी अभिक्रिया में इस तरह का लिखा हुआ रहता है, तो हमें ये ज़रूरी नहीं है कि लिखना ही है, ये छोड़ भी सकते हैं। अब हम ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि जो ये चार चेक करना है हमें कि क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि उपचयन और अपचयन क्या होता है। तो दोस्त, उपचयन हम उसको कहते हैं, एक उपचयन होता है, एक अपचयन होता है। उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, या फिर अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, ठीक है। यही ना डेफिनेशन था हम लोगों का उपचयन और अपचयन का। चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, सीसा अपचयित हो रहा है। तो सीसा अगर अपचयित होगा, अपचयित का मतलब क्या, उससे ऑक्सीजन हटेगा, तो देख रहे हैं कि ये सीसा का अपचयित नहीं हो रहा, PbO था। इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्त, PB का मतलब होता है लेड, जैसे हाइड्रोजन को H से सूचित करते हैं ना, वैसे ही लेड को PB से सूचित किया जाता है, और इस PB को होता है लेड, और ओ माने ऑक्साइड, तो ये लेड ऑक्साइड हो गया। दोस्त यहाँ ऑक्सीजन का जहाँ कमी होगा वहाँ अपचयन बोलेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, पहला ऑप्शन है सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा अपचयित नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, क्योंकि लेड ऑक्साइड का माने PbO, और PbO से ऑक्सीजन हट रहा है तब ना PB बन रहा है। तो जहाँ कहीं भी ऑक्सीजन हटे हम उसको क्या बोल देते हैं, अपचयन, ठीक है। तो यहाँ किससे ऑक्सीजन हट रहा है, PbO से ना ऑक्सीजन हट रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि लेड ऑक्साइड का अपचयित हो रहा है। और इसमें ऑप्शन लिखा है पहला सीसा अपचयित हो रहा है, जो कि गलत है दोस्तों। यहाँ पे पूरा पूरा ना पूरा से ना ऑक्सीजन अलग हो रहा है, और पूरा का नाम क्या है, लेड ऑक्साइड। तो दोस्त लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है ऐसा कहना सही है, सिर्फ सीसा कहना गलत है, क्योंकि सीसा या लेड, लेड को ही हम लोग सीसा भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, और जिसका फॉर्मूला PB होता है, PB को लेड के नाम से भी जाना जाता है और सीसा भी जाना जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ ऑक्सीजन हटे अपचयित, तो आप बोलेंगे कि सर PbO से तो ऑक्सीजन हट रहा है, तो PbO से ना हो रहा है, तो PbO का नाम क्या है, लेड ऑक्साइड, तो इसीलिए लेड ऑक्साइड का अपचयित हो रहा है ऐसा कहना सही है। फिर हम लोग आगे देखेंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है, ये ऑक्सीजन जो है किसके साथ जुड़ रहा है, कार्बन के साथ जुड़ रहा है, तो कार्बन का उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे बोला है CO2 का उपचयन हो रहा है। दोस्त CO2 का अगर उपचयन होता तो एक और ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ता, लेकिन CO2 तो खुद अब उपचयित हो चुका है, हो रहा नहीं है, कार्बन का यहाँ उपचयित हो रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है, कार्बन के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे कार्बन का उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो खुद बन रहा है कार्बन के साथ मिलकर। तो जहाँ भी ऑक्सीजन अगर जुड़ता है तब हम उसको बोलते हैं, तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा, कार्बन के साथ, तो कार्बन का उपचयित हो गया। और यहाँ पे देख पा रहे हो ऑक्सीजन किससे हटा, तो ऑक्सीजन जो है PbO से हटा, न कि PB से हटा, इसलिए लेड ऑक्साइड का अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन कौन सा असत्य है, तो ए और बी दोनों क्या है, असत्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा जाए।
यहाँ ऊपर कुछ अभिक्रिया दिया हुआ है, हम लिख देते हैं Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। दोस्त ये अभिक्रिया ऊपर लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन में, और फिर उसके नीचे लिखा गया है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। पहले अभिक्रिया लिख लेना है और फिर उसके नीचे क्वेश्चन बोल रहा है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार है। पहला ऑप्शन यहाँ देता है, पहला ऑप्शन संयोजन, दूसरा ऑप्शन द्विविस्थापन, द्विविस्थापन, तीसरा ऑप्शन वियोजन, वियोजन, चौथा ऑप्शन विस्थापन। ठीक है, चौथा ऑप्शन विस्थापन। आप चीज़ों को समझिए दोस्त, हम आपको हर एक अलग अलग अभिक्रिया के बारे में सिखाए हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या कब होता है, जब अभिकारक में दो या दो से अधिक अणु रहते हैं और प्रतिफल में या उत्पाद में एकल परमाणु का निर्माण करते हैं, तब न संयोजन बोल रहे हैं। तो यहाँ प्रतिफल में क्या एकल है, मतलब प्रतिफल एक ठो है, नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया ऐसे ही। अच्छा, द्विविस्थापन, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कब होता, जब हम लोगों का दो अणु आपस में प्रतिस्थापित हो जाते हैं। यहाँ पे Fe है, ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम अकेला है, तो यहाँ पे अगर दो गो अणु आपस में अगर अदला बदली करते तब ना हम बोलते कि यहाँ द्विविस्थापन हो रहा है, लेकिन यहाँ एक ही अणु आपस में अदला बदली कर रहे हैं। जैसे FeO3 था, यानी कि ये दोनों की दोस्ती थी, Fe और ऑक्सीजन की दोस्ती थी, लेकिन एल्युमिनियम क्या किया, ये दोनों को, एल्युमिनियम चूँकि तगड़ा है तो ये दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया और ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई एक परमाणु किसी दूसरी दोस्ती को तोड़कर खुद उसके साथ दोस्ती कर लेता है, वो क्या कहलाता है, केवल विस्थापन कहलाता है, द्विविस्थापन नहीं। तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसमें चौथा हो जाएगा, यह विस्थापन अभिक्रिया है। अच्छा, वियोजन क्यों नहीं हो रहा था, वियोजन में अभिकारक में एक अणु रहता है और प्रतिफल में दो या दो से अधिक अणु बनता है, तो यहाँ पे वियोजन भी अभिक्रिया नहीं है, यहाँ पे आपको कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर 4 यानी कि विस्थापन अभिक्रिया करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा जाए, लौह चूर्ण पर, पहला तीसरा क्वेश्चन है, बोल देते हैं लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए, सही उत्तर पर निशान लगाइए। ठीक है, अब सही उत्तर पर निशान लगाना है, इसका मतलब उसके नीचे का फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन ऐसे चुनना है। तो फर्स्ट ऑप्शन लिखना है, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस एवं एवं आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड बनता है, आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन गैस एवं एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। सी ऑप्शन कोई अभिक्रिया नहीं होती है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। डी नंबर ऑप्शन आयरन लवण, डी ऑप्शन में लिखेंगे आयरन लवण एवं जल बनता है। चलिए, सवाल क्या बोला कि लौह चूर्ण पर, तो लौह चूर्ण का मतलब क्या, इसका सॉल्यूशन पहले हम लोग कर लेंगे तीसरा का, कि क्या क्या सवाल बोला,
सवाल क्या बोला है जरा अच्छे से समझिएगा। लौह चूर्ण है, लौह चूर्ण, ठीक है। अब ये जो लौह चूर्ण है इसके साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, तो लौह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये किस रूप में है दोस्त, तो तनु रूप में। अब तनु रूप का मतलब क्या है जरा समझिए। सवाल बोला कि लौह चूर्ण को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो तनु का मतलब हम लोग को समझना जरूरी है। अब तनु का मतलब होता है गीला, जैसे जब आटा को आप छानते हैं रोटी बनाने के लिए, आटा को गूंथते हैं बोल सकते हैं, तो जब आटा को गूंथते हैं तो बिल्कुल टाइट, या फिर उसको एकदम लेई बनाते हैं ना कभी पोस्टर वोस्टर चिपकाने के लिए, आटा का लेई, तो लेई को ही हम लोग बोलेंगे तनु। तनु का मतलब होता है गीला विलयन, यानी जो मिक्सचर होता है ना हम लोग को वो मिक्स गीला कर देते हैं तब हम लोग को तनु बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन है, ठीक है। जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ये चार ऑप्शन में से हम लोग को चुनना है। तो सबसे पहले हम ये आपको बताते चलें कि जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग लेड का फार्मूला Pb को पढ़े दोस्त, वैसे ही लौह चूर्ण है तो लौह चूर्ण के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, Fe मतलब लोहा प्लस हाइड्रोक्लोरिकम, तो हाइड्रोक्लोरिकम का क्या फार्मूला HCl। अब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे होता है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया, यानी Fe और Cl प्लस H2 बाहर निकल जाता है और इसका फार्मूला होता है FeCl2। दोस्तों आप देखिए कुछ फार्मूला को ना जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो खुद ऑटोमेटिक ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि जब आयरन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो इसको बोलते हैं आयरन क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं आयरन क्लोराइड, और ये क्या है तो ये हाइड्रोजन गैस बनता है। अब जरा रिएक्शन को तो हम लोग को याद करना पड़ेगा कि लोहा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो आयरन क्लोराइड FeCl2 फार्मूला होता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब आपको ये एक चीज़ देखना पड़ेगा कि क्या दोनों अभिक्रिया संतुलित है, तो आयरन एक ठो है तो यहाँ एक ठो, क्लोरीन दो ठो है यहाँ एक ठो है क्लोरीन, हाइड्रोजन दो ठो है, इसको दो से गुना कर दिया तो दो से गुना कर दिया तो अब हम लोगों को क्या हो गया, ये हम लोगों को संतुलित हो गया। तो इसका आंसर हम पहले इतना अभिक्रिया करके कर देंगे तब लिखेंगे कि अतः कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है, ठीक है। क्योंकि ए में सबसे पहले क्या बोला, हाइड्रोजन गैस बनेगा तब आयरन क्लोराइड बोला है, तो उससे कोई बात नहीं है भाई, आप पहले दो को जोड़ लो तब तीन को जोड़ो, बाद में तो पाँच ही आएगा, या पहले आप तीन को जोड़ लो बाद में दो को जोड़ लो पाँच ही आएगा ना। उसी तरीके से ऑप्शन नंबर ए में लिखा है हाइड्रोजन गैस बनेगा एवं आयरन क्लोराइड बनेगा, तो हम लोग पहले भी बना सकते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चार। हालांकि तीसरा में आप सिर्फ करेक्ट करके नहीं छोड़िएगा, तीसरा वाले में जो क्वेश्चन है उसको बना के दिखा दीजिएगा, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फोर में, क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है, लिखा जाए क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर उसके आगे लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। चलिए हालांकि आपको तो हम बताए ही हैं कि रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, आखिर उसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है, फिलहाल इसका आंसर लिखा जाए, उत्तर आंसर लिखेंगे
लिखा जाए, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणु की संख्या समान है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। उसका पूर्ण विराम करके लिखेंगे, सॉरी पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। पैराग्राफ चेंज करके मतलब समझते हैं ना, जैसे मान लिया कि यहाँ से आप लिखे, पूरा फुल हो गया, दूसरा लाइन भी फुल हो गया, तीसरा लाइन यहाँ तक आया, फिर हमें पूर्ण विराम जरूरी है, तो थोड़ा सा यहाँ छोड़ के फिर यहाँ से लिखेंगे। तो पूर्ण विराम में लिखेंगे, सॉरी पूर्ण विराम बोल रहे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। ये तो अभी लिखें कि रासायनिक समीकरण कहलाता है, अब लिखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों में हम पहले ही डिस्कस किए हुए हैं कि रासायनिक समीकरण किस, संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। तो अभिक्रिया में एक तीर के निशान होता है, इसके पहले वाले को अभिकारक और बाद वाले को प्रतिफल कहा जाता है। अभिकारक में अगर परमाणु की संख्या और प्रतिफल में अगर परमाणु की संख्या अगर बराबर हो जाता है, हम इसी को बोल देते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। चलिए सॉरी, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। फिर इसको संतुलित करना क्यों जरूरी है किसी भी रासायनिक समीकरण को, तो इसलिए जरूरी है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण में हम लोग सिद्धांत 9th क्लास में पढ़े हुए हैं कि द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है, नहीं मतलब बनाया जाता है, और न ही इनको नष्ट किया जाता है। इसलिए इन्हें क्या कर सकते हैं हम लोग, संतुलित करना आवश्यक है। तो खैर, हम लोग इन चीज़ों को तो पहले ही पढ़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, जरा पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करके उन्हें संतुलित कीजिए, उन्हें संतुलित कीजिए। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि पांचवा का ए बी सी ऐसे करके कुछ क्वेश्चन है, और उन क्वेश्चनों को क्या करना है, हमें पहले उनको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है, क्योंकि वहाँ पे एक लैंग्वेज में लिखा हुआ है हिंदी में, ठीक है। और उसको हम लोग समीकरण में व्यक्त करना है और फिर उनको संतुलित करना है। तो पांचवा का एक ए लिखा जाए क्वेश्चन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, ठीक है। तो दोस्त आप भी इन चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन सबका फार्मूला याद रखना जरूरी है। नाइट्रोजन बोला तो नाइट्रोजन को हम लोग N2 से सूचित करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ नाइट्रोजन, ठीक है। अच्छा,
इसको हम लोग किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन का मतलब H2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। और यह अभिक्रिया करके क्या बनाया था दोस्त, तो यह अभिक्रिया करके बनाया अमोनिया, और अमोनिया का फार्मूला कितना, NH3, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे जैसे सवाल बोला, सवाल क्या बोला कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है, हम उसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिख लिए, और रासायनिक समीकरण तो हम दे दिए, लेकिन इसके बाद बोल रहा है कि जो रासायनिक समीकरण आप लिखे हैं उसको आप संतुलित कीजिए, तो संतुलित करना सीखे हैं दोस्त। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2 ठो, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1 ठो, इसमें क्या कर दिए, 2 से गुना कर दिए। तो जब इसमें 2 से गुना कर दिए तो अब दाहिने तरफ आप देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन कितना हो गया, तो 3 दुना का 6, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, तो इसको 3 से गुना कर दिए। इस तरीके से 5वां का 1 आंसर हम लोगों का हो गया। उसी तरीके से दोस्त हम क्या करने वाले हैं, 5वां का B चाहे C चाहे D जो भी क्वेश्चन होगा, हम क्या करेंगे, हम सिर्फ रासायनिक समीकरण लिख देते हैं और आप इसका खुद संतुलित करके और हमें भेजिएगा, हम देख लेंगे, हम चेक कर लेंगे आपका, ठीक है। तो 5वां का B क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला क्या होता है, H2S, ये फार्मूला किसका होता है। देखिए अगर आपको हमेशा टैलेंट होना है, टैलेंट बने रहना है, आपको क्या कीजिए, इस चैप्टर का एक आप नोटबुक बनाइए जिसमें सूत्र लिखा हो कि नाइट्रोजन को इससे सूचित करते हैं, हाइड्रोजन का ये फार्मूला होता है, अमोनिया का NH3 होता है, ठीक है। वैसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला क्या होता है, H2S, जिसको अब हवा में दहन किया जाए, तो हवा में दहन करने के लिए क्या ज़रूरी है, कोई भी वस्तु में आग तभी ना लगता है जब उसमें ऑक्सीजन हो, तो ऑक्सीजन यानी कि O2 के साथ क्या बनता है दोस्त, तो यहाँ पे देख रहे हैं उसके बाद जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड, तो जल का फार्मूला, जल बोल रहा है कि जल बनाइए, तो जल बना दिए H2O, सल्फर डाइऑक्साइड तो SO2 बना दिए। अब सबके नीचे आप नाम लिख दीजिएगा, ये जल है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, और ये अभिक्रिया करके ये बनाता है, ऐसा सवाल में लिखा है, सिर्फ हम उसको रासायनिक समीकरण में बदल दिए हैं, और इसके बाद भी हमको रुकना नहीं है, इसमें इसको अब संतुलित करना है, तो आप संतुलित कर लेंगे ना, जी बिल्कुल कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन 2 ठो है, इधर हाइड्रोजन 2 ठो है, बढ़िया है। इधर सल्फर 1 गो है, यहाँ भी सल्फर 1 गो है, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है, तो 2 और 1 3 गो ऑक्सीजन, तो इधर भी 3 करना होगा, तो 3/2 से गुना कर दीजिए, संतुलित हो गया। उसी तरीके से सी नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर, तो एल्युमिनियम सल्फेट तो Al2SO4 का Hall 3 फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला याद रख लीजिएगा, और हम आपको एक सजेस्ट करेंगे कि आप जितना भी फार्मूला नया नया मिल रहा है, आप इसको एक कॉपी में एक पेज पे आप एक फार्मूला को लिख लीजिए इस चैप्टर का, ठीक है, और उसी नोटबुक में उसी फेयर कॉपी में उसके बीच में लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग तरह का फार्मूला है। देखिए Al2SO4 का Hall 3 हम क्यों लिखे, क्योंकि सवाल में बोला एल्युमिनियम सल्फेट के साथ हम लोग को क्या किसका अभिक्रिया करना है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, और इसके साथ हमको अभिक्रिया कराना है बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2 होता है, इसका नाम क्या है, बेरियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट, तो दोनों अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सवाल में लिखा है अभिक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला AlCl3, सबका नाम नीचे लिख दीजिएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या फार्मूला होता है, AlCl3 प्लस, फिर क्या बोल रहा है कि बनाता है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है, यानी कि बनाता है, तो बेरियम सल्फेट का फार्मूला BaSO4, इसके नीचे नाम लिख दीजिएगा, और नाम लिखने के बाद इसको आप संतुलित कर लीजिएगा खुद से। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वां का D में, डी बोल रहा है पोटेशियम धातु, तो पोटेशियम को हम लोग सूचित करते हैं K से, याद आना चाहिए आपको, पोटेशियम मतलब K, धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो जल के साथ अभिक्रिया करता है मतलब जल का फार्मूला H2O, अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड मतलब के ओ एच, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस देता है, तो हाइड्रोजन गैस का मतलब एच टू। तो आप इसके नीचे नाम भी दे दीजिएगा कि ये पोटेशियम है, ये जल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन गैस है। और इसका जो संतुलित करना होगा वो आप खुद से भी कर सकते हैं संतुलित, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस का हम लोग इतना ही पे आंसर कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, कि छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है और हमें उसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो छठा नंबर क्वेश्चन दोस्त, आप देख पा रहे होंगे किताब में, बुक्स में, कि छठा नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, आपको अभी समीकरण दिया हुआ है, सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको संतुलित कर देना है। तो हम लोग तो संतुलित करना सीखे हैं ना, तो आपको कुल मिलाकर पांचवा का जो क्वेश्चन छोड़े हैं और छठा, ये आपको होमवर्क्स के तौर पे है। आप दिया गया जो छठा में क्वेश्चन है एनसीईआरटी के बुक में, तो पांचवा और छठा को संतुलित करके आप ज़रूर हमें भेजेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आपको छठा एक होमवर्क्स के तौर पे कंप्लीट कर लेना है और फिर हम चेक कर देंगे कि किन लोगों का संतुलित किया हुआ समीकरण सही है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर अगले क्लास में आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।